Hello everyone. Today we are going to read our second lesson of grammar draw, that is pronouns. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे pronouns के बारे में. What is pronoun? अच्छा, पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी pronouns इसमें क्या है. दो शब्द जो है जुड़ा हुआ है, pro plus noun. ठीक है, then what is noun? इससे पहले हम लोगों ने discussion किया था प्रीवियस क्लास में नाउन के बारे में पढ़े थे. एवरी वन इज नो दैट व्हाट इज नाउन. नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, इजंट इट. नाउन इज ए नेमिंग वर्ड एंड दैट मे बी द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग्स, वट एवर, है ना. सो यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउंस के बारे में. पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी व्हाट इज प्रोनाउन. प्रोनाउन मीन्स दैट इज ए वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन. ठीक है, वेयर कहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, किस तरीके से यूज़ करेंगे, उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे. ठीक है, पहले तो मैंने बताया व्हाट इज प्रोनाउन. प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज, वी कैन यूज द देम इन द प्लेस ऑफ नाउन. ओके ना, मतलब क्या है, रिप्लेस ऑफ नाउन. कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो नाउन का इस्तेमाल करते हैं रिपीटेडली यूज़ करते हैं. ठीक है, तो देखो पहले लेट्स लर्न अबाउट यहाँ पर हम लोग प्रोनाउंस में क्या क्या पढ़ेंगे. आइडेंटिफिकेशन एंड यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस एंड इट्स टाइप्स, देन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. ठीक है, इसमें भी पर्सनल प्रोनाउंस में उसके टाइप्स में सब्जेक्ट प्रोनाउंस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस पढ़ेंगे एंड पॉजिटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये जो है हमारा इतना हम लोग डिस्कशन किए क्या हम लोग प्रोनाउंस के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो मैंने आप लोगों को पहले से ही बताया व्हाट इज प्रोनाउन. प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज टेक्स प्लेस इंस्टेड ऑफ नाउन. ठीक है, इन द प्लेस ऑफ नाउन वेन एवर वेन वी आर यूजिंग सम अदर वर्ड दैट इज कॉल्ड प्रोनाउंस. ठीक है, तो वो किस तरीके से यूज करते हैं, क्या क्या होता है. सो देखो यहाँ पर हमारे बुक में दिया हुआ है, एक पेज दिया हुआ है, दैट इज ए डायरी ऑफ somebody. ए पेज फ्रॉम राघवस डायरी इज अबाउट हिज फ्रेंड्स राहुल एंड रिया. राघव इज रिटन अबाउट हिज फ्रेंड राहुल एंड रिया. हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस डायरी. ओके, देख लेट्स रीड इट. हेयर द नेम ऑफ मंथ जनवरी, फर्स्ट फ्राइडे, फर्स्ट वीक, डेट फर्स्ट जनवरी 2020. Then, Riya likes to jog Rahul and Riya's friend. Sorry, Rahul is Riya's friend. Rahul too likes to jog. Riya and Rahul went to a park. Riya saw a squirrel. The squirrel had a bushy tail. Rahul saw the squirrel too, but Rahul was not as excited as Riya. So, इसमें हम लोगों को क्या खासियत मिला? रिया दिस इज द नेम ऑफ ए गर्ल एंड राहुल इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ ए बॉय. बट हियर वी फाइंड दैट रिया एंड राहुल वॉज रिपीटेडली रिटन हियर, है ना. इट इज रिपीटेड हियर, है ना, बार बार इसको लिखा गया है रिया राहुल, रिया राहुल, रिया राहुल, है ना. स्क्वल दिस इज ऑल्सो द नेम ऑफ एन एनिमल, है ना. सो इट इज ऑल्सो रिपीटेड. सो अगर हमें हम इसको अच्छे से और अच्छे से लिख सकते थे, इंस्टेड ऑफ नाउन वी कैन यूज द अदर वर्ड्स, है ना. सो क्या यूज कर सकते थे और क्या हो सकता था उसको देखते हैं. चलिए देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सेम जो डायरी का पन्ना है उसी को लिखा गया है, लेकिन इसमें चेंजेसनेस थोड़ा सा है. क्या चेंजेसनेस है, देखो रिया लाइक्स टू जॉग, राहुल इज हेयर फ्रेंड. हेयर यहाँ जो हाईलाइटर किया गया है हेयर, मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को, ध्यान से सुनना. ही टू लाइक्स टू जॉग. They went to a park. Riya saw a squirrel. It had a bushy tail. Rahul saw the squirrel too, but he was not as excited as her. देखो इसमें Riya के बदले यहाँ पर her यूज किया गया, because of Riya is a girl, that is why here we can use her instead of Riya. समझ में आया, Riya के बदले हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, her यूज कर रहे हैं. देन राहुल इज ए नेम ऑफ ए बॉय, दैट इज वाई इंस्टेड ऑफ राहुल वी कैन यूज हियर ही.
ही यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। राहुल के बदले में ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। और राहुल और रिया दोनों के बदले में हम लोगों ने यहाँ पर क्या यूज किया, दे, ठीक है, क्योंकि प्लूरल में हो गया इसलिए दे। देन ये जो हाईलाइटेड वर्ड समझ में आया, इन सब किस किस के बदले में चेंज किया ये सब। देन यहाँ पर देखो रिया सॉ ए स्क्वर्ल। स्क्वर्ल इट इज ए नेम ऑफ एन एनिमल, दैट इज वाई हियर वी कैन अगेन व्हेन वी आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द एनिमल दैट एट दैट प्लेस वी आर यूजिंग हियर इट। इज दैट क्लियर? इन द प्लेस ऑफ द नेम ऑफ एन एनिमल वी आर यूजिंग इट। समझ में आया? किसी भी एनिमल, चाहे वो काउ हो सकता है, डॉग हो सकता है, किसी के भी बदले हम लोग क्या करेंगे, इट यूज करेंगे, ठीक है। इट हैड ए बुशी टेल, ओके। देन ऑल्सो अगेन देखो राहुल सॉ द स्क्वर्ल टू, वो भी देखा, राहुल भी, रिया देखे तो राहुल भी देखा, बट ही वॉज नॉट एज एक्साइटेड एज हेयर। ही दिया राहुल के बदले में, रिपीटेड राहुल नहीं होके वहाँ पर ही लगाया गया। समझ में आया? इंस्टेड ऑफ नाउन वी कैन यूजिंग सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड, तो हमें उसको चूज करना है। दैट इज हम लोग इसके बाद हम लोग आगे जो आने वाला है जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारे जेंडर के बारे में, तो तभी भी आप लोग तो वैसे भी स्टैंडर्ड फोर्थ में हो, आप लोगों को पता ही होगा, तो हम लोग उसी के हिसाब से जेंडर के हिसाब से ही सी इट दे ये सब के बारे में और सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से ये सब चेंज करते हैं, ठीक है। सो द हाईलाइटेड वर्ड्स हेयर ही दे इट आर प्रोनाउंस। समझ में आया? ये जो हाईलाइटेड किया गया है ये वर्ड है प्रोनाउंस, मतलब इसका समझ में आया। द वर्ड्स इंस्टेड ऑफ द नाउन व्हेन वी आर यूजिंग सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड दैट इज कॉल्ड प्रोनाउंस, ठीक है। तो आपके नोट्स में देखो, प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। याद रखने वाली बहुत जरूरी बात है, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड आई रिमाइंड यू, यू हैव टू रिमाइंड दिस वन। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बदले में ये सब वर्ड यूज होता है, ओके। दे अवॉइड रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स एंड ब्रेक द मोनोटोनी इन सेंटेंस। जो हम अपने मन मर्जी से जो वर्ड्स लिख देते हैं उसको, उसके बदले रिपीटेशन, बार बार हम लोग जो यूज़ करते हैं उसके बदले प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है। समझ में आया अभी बात? हम लोग जो रिपीटेशन करते हैं, राहुल राहुल राहुल, रिया रिया रिया, ये बार बार हो गया तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके बदले में हम लोग ही, हेयर, सी, ये सब यूज करेंगे, ठीक है। ए प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ द नाउन इट रिफर्स टू। उसके साथ ये क्या है, देखो इट्स रेफर्स। प्रोनाउन क्या करता है, रेफर्स करता है उस नाउन को, क्योंकि नाउन अगर हमारा जेंडर क्या जेंडर है, मस्कुलाइन जेंडर है, तो उसके हिसाब से हमें ही लिखना पड़ेगा। अगर फेमिनाइन जेंडर है तो उसके हिसाब से हमें सी लिखना पड़ेगा, या हेयर उसके उस सेंटेंस के लेके हम लोग ही, सी, हेयर, इट, दे जो भी यूज करेंगे, ठीक है ना। सो दिस मीन्स दैट इफ द नाउन इज सिंगुलर द प्रोनाउन मस्ट बी द सिंगुलर, है ना। अगर नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर में होगा। इफ द नाउन इज प्लूरल द प्रोनाउन मस्ट बी प्लूरल। देखो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, क्या देखा, यहाँ पर दे यूज हुआ क्योंकि राहुल एंड रिया दोनों के नाम जुड़े हुए थे, इसलिए हम लोग दे प्लूरल आ गया, इसलिए दे यूज किए, है ना। देन राहुल और रिया जो कि सिंगुलर में था, इसीलिए हम लोगों ने इसमें सिंगुलर वाला प्रोनाउन यूज किया। समझ में आया? देखो, सो इफ द नाउन इज सिंगुलर तो प्रोनाउन ऑल्सो मस्ट बी सिंगुलर, एंड इफ द नाउन इज प्लूरल द प्रोनाउन मस्ट बी प्लूरल। इफ द नाउन इज फेमिनाइन, मैंने बोला आपको, इफ द नाउन इज फेमिनाइन, अगर वो फेमिनाइन में है, ए प्रोनाउन मस्ट बी फेमिनाइन, प्रोनाउन शुड बी यूज एंड सो ऑन। मतलब क्या है, अगर सिंगुलर में है तो सिंगुलर यूज करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल में यूज करेंगे, और फेमिनाइन या मस्कुलाइन में है तो उसको फेमिनाइन या मस्कुलाइन में ही चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है, देखो द बस, बस इज ए सिंगुलर वर्ड, है ना। द बस वॉज लेट, बस क्योंकि सिंगुलर था, इसके बदले हम यहाँ क्या यूज हुआ, इट, इट वॉज स्टक इन द ट्रैफिक जम, ठीक है। देन द ट्रेन्स, ट्रेन्स यहाँ पर प्लूरल है, तो उसके बदले में क्या यूज हुआ, दे हैड बीन डिलेड, ठीक है। देन गीता, गीता इज द फेमिनाइन वर्ड, दैट इज वाई यहाँ पर क्या यूज हुआ, सी, सी इज कमिंग टुमारो, गीता लिव्स इन जयपुर, सी इज कमिंग टुमारो, गीता इज ए फेमिनाइन वर्ड। अगर गीता के बदले हम लोग कुछ लिखेंगे, राम लिखेंगे,
मोहन लिखेंगे, सोहन लिखेंगे, तो उसके बदले में क्या यूज़ होगा? ही लिखेंगे, ही यूज़ होगा। इज़ दैट क्लियर? समझ में आया? इतना तक समझ में आया अभी?